क्या आपका सिविल स्कोर खराब है, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं दे रही है, तो गाइस टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आज आपका भाई आपके लिए इंडिया की एक ऐसी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी लेकर आया जहां पर आप ले सकते हैं 20,000 रुपये का लोन केवल आधार कार्ड से ई KYC करके। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सैलरीड हो, आपको यहाँ पर पक्का लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन सी कंपनी जो देती है घर बैठे इमरजेंसी लोन। चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे इमरजेंसी लोन, उसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर में जाना है, एप्लीकेशन आपके सामने है जिसका नाम है एम पॉकेट पर्सनल लोन एंड इंस्टेंट स्टूडेंट लोन ऐप। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सैलरीड हो, आपको यहाँ पर पक्का लोन मिलेगा। गाइस ये कंपनी देती है पूरे 20,000 रुपये का लोन केवल कुछ सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में। आधार कार्ड से KYC करके आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। 4.2 रेटिंग के साथ कंपनी आती है और 5 मिलियन ज़्यादा डाउनलोड की जा चुकी है वाली एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर 20,000 रुपये का लोन 3 महीने तक के लिए मिल सकता है। स्टूडेंट सैलरीड दोनों लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर लोन मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। अगर मैं बात करूँ डिटेल में कंपनी की, तो गाइस कंपनी आपको यहाँ पर बोलती है कि भाई आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप सैलरीड हो, आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपये का लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये लोन ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में आप केवल 2 मिनट के अंदर। जी हाँ गाइस, 2 मिनट में आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम अकाउंट के अंदर लोन ले सकते हैं। 3 महीने तक के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। ये लोन आप ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। यहाँ पर आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा लोन लेने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पर देनी होगी। लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देने वाला। सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। मैंने पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बोला था कि भाई कंपनी आपको 20,000 रुपये तक का लोन देती है, तो यहाँ पर ये बोलती है कि भाई आप यहाँ पर 1,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आई वॉन्ट पर आपने क्लिक करना है। आप 2,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप लेते हैं 30 से 45 दिन के लिए आपको यहाँ पर अगर मिलता है लोन 2,000 रुपये का, तो आपके अकाउंट के अंदर आपको पैसे मिलेंगे 1920 रुपये, 67 रुपये होगी आपकी प्रोसेसिंग फीस, 12 रुपये आएगी GST, 2120 का रिपेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो गाइस लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अप्लाई फॉर लिमिट इंक्रीज पर क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू किया मैंने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बोले हुए प्री अप्रूव लोन अमाउंट आपकी 20,000 रुपये है, बस आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी लोन एप्लीकेशन को। देखिए गाइस मैंने यहाँ पर सारे स्टेप 100% कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन एक स्टेप है जो मैंने अभी तक 100% कंप्लीट नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का। आपको भी यहाँ पर ये चारों स्टेप 100% कंप्लीट करने होंगे, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ KYC वेरीफिकेशन की, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी, पैन कार्ड के नंबर को वेरीफाई करना होगा। KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड चूज़ करना होगा। आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद गाइज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के अंदर हो। आपका जेंडर चूज़ करना है, मैरिटल स्टेटस। नीचे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको चूज़ करना है, ठीक। उसके बाद फादर नेम मदर नेम डालना है और आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, कंपनी का नाम बताना है, इंडस्ट्री टाइप चूज़ करनी है, ठीक। ऑफिस एड्रेस, ऑफिस पिन कोड अपना कंप्लीट सही से बताना होगा और आपने इसको सबमिट करना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर एक सेल्फी वीडियो अपलोड करनी होगी। गाइज जब आप ये सारे स्टेप 100% कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको इंस्टेंटली लोन के लिए लिमिट मिलेगी। मुझे ये बोल रहे कि भाई 20,000 रुपये का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं इंस्टेंटली, लेकिन मुझे ये लोन नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि भाई आप अगर लेना चाहते हैं घर बैठे इमरजेंसी लोन, तो अप्लाई कर सकते हैं एम पॉकेट से। चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप स्टूडेंट्स, सबको लोन मिल जाएगा। तो गाइज बस आपको यहाँ पर यही करना है लोन लेने के लिए, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। और गाइज जब आपको यहाँ पर लोन अप्रूव मिल जाएगा, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर देनी होगी, ई साइन एग्रीमेंट करना होगा, लोन अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपको ले लेना होगा। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे इमरजेंसी लोन, तो ले सकते हैं घर बैठे एम पॉकेट एप्लीकेशन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, लोन अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। आगे बस इतना ही, वीडियो के लिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।